हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी शीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ टेबल टेनिस से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट उसके हिस्ट्री रूल्स एंड मेजरमेंट्स रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चंस लेकर के, जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड दोस्तों, जैसा कि मेरे चैनल पे सभी फिजिकल एजुकेशन कम्पटेटिव एग्जाम, चाहे यूपी टीजीटी हो, यूपीएलटी गेट हो, अदर स्टेट टीजीटी पीजीटी हो, एमपी टेट हो, सभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी वीडियोज बनाए गए हैं। थ्योरी सेशन में आप जा करके चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और सभी थ्योरी को चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज देखिए। एंड चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी लगाया गया है, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज के प्रैक्टिस भी कराया गया है और डेली बेसिस में आपको प्रैक्टिस भी करा रही हूँ। तो फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों कि टेबल टेनिस खेल की शुरुआत किस देश से हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी इंग्लैंड में। नेक्स्ट, टेबल टेनिस कैसा खेल है दोस्तों, यह इनडोर खेल है। नेक्स्ट, टेबल टेनिस बॉल के निर्माताओं ने इस खेल का नाम क्या रखा था। तो इस खेल का नाम पिंग पोंग रखा गया था। दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है कि पिंग पोंग किस खेल को कहा जाता था, तो टेबल टेनिस को। नेक्स्ट है, पहले टेबल टेनिस खेल को लोग किस समय खेलना पसंद करते थे, तो रात को खाना खाने के बाद इसको खेलना पसंद करते थे। नेक्स्ट है, पिंग पोंग एसोसिएशन का नाम बदलकर टेबल टेनिस एसोसिएशन कब रखा गया, तो 1926 में। नेक्स्ट है, भारतीय टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, तो 1937 में हुआ। नेक्स्ट है, टेबल टेनिस को ओलंपिक में कब शामिल किया गया, तो 1988 सियोल दक्षिणी कोरिया में शामिल किया गया। एंड नेक्स्ट है, टेबल टेनिस खेल को एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया, तो 1958 टोक्यो जापान में एशियाई खेलों में शामिल किया गया। नेक्स्ट है, विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन मुंबई में कब किया गया, तो 1952 में मुंबई में विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ये पहला खेल है जिसका आयोजन मुंबई में हुआ, वो भी विश्व प्रतियोगिता। नेक्स्ट है, टेबल टेनिस के खिलाड़ी को क्या कहते हैं, तो पेडलर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है, टेबल टेनिस खेल की विश्व पुरुष टीम प्रतियोगिता में विजेता में कौन सा कप दिया जाता है, तो स्वेथलिंग कप। विश्व पुरुष टीम प्रतियोगिता टेबल टेनिस की स्वेथलिंग कप। एंड नेक्स्ट है, टेबल टेनिस खेल की विश्व महिला टीम प्रतियोगिता में विजेता कौन सा कप दिया जाता है, विजेता को महिला टीम के, तो कार्बिलान कप। तो दोनों याद रखिएगा, स्वेथलिंग कप विश्व टेबल टेनिस पुरुष के लिए और विश्व महिला टेबल टेनिस के लिए कार्बिलान कप दिया जाता है। नेक्स्ट है, टेबल टेनिस खेल में विश्व की प्रथम प्रतियोगिता कब आयोजित की गई थी, तो 1921 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, विश्व टेबल टेनिस संघ की स्थापना कब की गई थी, तो 1926 में किया गया था। नेक्स्ट है, विश्व टेबल टेनिस संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, अधम सरारा थे। नेक्स्ट है, विश्व टेबल टेनिस संघ का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो सुलुसानी में है, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है, भारतीय टेबल टेनिस संघ की स्थापना कब हुआ था, तो 1937 में। नेक्स्ट, भारतीय टेबल टेनिस संघ का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर है तो दिल्ली में, नई दिल्ली। नेक्स्ट, टेबल टेनिस खेल में सर्वप्रथम अर्जुन पुरस्कार किसे और कब मिला दिया गया, तो अर्जुन पुरस्कार दिया गया जेसी बोहरा को 1961 में सबसे पहले। नेक्स्ट, टेबल टेनिस खेल की विश्व एकल पुरुष प्रतियोगिता का क्या नाम हुआ, तो सेंट ब्राइड वास नाम है। नेक्स्ट, विश्व टेबल टेनिस खेल की विश्व एकल महिला प्रतियोगिता का क्या नाम है, तो जी जॉस्ट कप कहते हैं। नेक्स्ट, टेबल टेनिस खेल की विश्व मिश्रित युगल प्रतियोगिता का क्या नाम है, तो हैदुसेक कप, वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब कप। नेक्स्ट है, टेबल टेनिस खिलाड़ी को क्या कहते हैं दोस्तों, तो टेबल टेनिस खिलाड़ी को पैडलर्स बोलते हैं एंड बास्केटबॉल खिलाड़ी को केजर्स बोलते हैं, तो ये सब भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, बर्नाबिला कप किस खेल से संबंधित है, तो बर्नाबिला कप है आपका टेबल टेनिस से रिलेटेड। नेक्स्ट है, आईटीटीएफ का फुल फॉर्म क्या है, तो आईटीटीएफ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। नेक्स्ट, टेबल टेनिस खेल में टेबल की माप क्या होती है, तो इसकी माप होती है 2.4 × 1.525 मीटर। एंड नेक्स्ट, टेबल टेनिस में टेबल की प्लेइंग सरफेस जो समतल होता है ऊपर, जमीन से कितने फीट ऊपर होता है, तो ये लगभग 76 फीट ऊपर होता है। यहाँ पे 2 फीट यानी कि 60 सेंटीमीटर दिया है, तो कहीं 76 फीट यानी 2.5 फीट भी देगा तो भी ऑप्शन सही रहेगा।
नेक्स्ट है टेबल टेनिस खेल की टेबल की टांगे कितनी होती हैं, तो उसमें 8 टांगे होती हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेबल टेनिस खेल के कोर्ट को 2 समान भागों में विभाजित करने वाली सेंट्रल लाइन यानी सेंट्रल लाइन नेट के लंबवत की मोटाई कितनी होती है, तो सेंट्रल लाइन की मोटाई यहाँ पे 2 mm होती है, 3 mm होती है। एंड नेक्स्ट है टेबल टेनिस खेल की गेंद का भार कितना होता है, 2.7 ग्राम होता है। दोस्तों सभी खेलों में सबसे कम भार होता है आपका टेबल टेनिस खेल के गेम का भार 2.7 ग्राम। एंड टेबल टेनिस खेल की गेंद का व्यास कितना होता है, तो 40 mm होता है। नेक्स्ट टेबल टेनिस खेल के रैकेट पर चिपके रबर की मोटाई अधिक से अधिक कितनी होती है, तो 2 mm होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टेबल टेनिस को ओलंपिक में कब शामिल किया गया, तो इसको हम देख चुके हैं 1988 सियोल अमेरिका में शामिल किया गया। एंड नेक्स्ट है TTFI का फुल फॉर्म क्या है, TTFI का फुल फॉर्म है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है टेबल टेनिस के साइड लाइन की मोटाई कितनी होती है दोस्तों, तो 2 सेंटीमीटर, वहां पे गलत दिया था 3 mm, यानी सेंटर लाइन की मोटाई 3 सेंटीमीटर होती है दोस्तों, बार बार ये पूछा गया है। टेबल टेनिस में जो सेंटर लाइन होता है 3 सेंटीमीटर और साइड लाइन 2 सेंटीमीटर, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है रैकेट की माप कितनी होती है, तो रैकेट की माप सर्कुलर 20 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट है नेट की लंबाई कितनी होती है, तो नेट की लंबाई होती है 1.83 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी 6 फीट की लगभग होती है। कितना होती है, नेट की लंबाई 6 फीट होती है, फीट में 6 फीट और मीटर में 1.83 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है नेट की ऊंचाई कितनी होती है, तो 6 इंच होती है, ठीक है। नेक्स्ट है सर्विस कितने अंकों के बाद चेंज की जाती है, तो 2 अंकों के बाद की जाती है चेंज। नेक्स्ट है मैच कितने पॉइंट का होता है, तो मैच जो है वो 21 पॉइंट का होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें जो टेबल टेनिस से आपको पूछी जा सकती हैं उसके बारे में बताया है, और ये जो वीडियो है इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन टेबल टेनिस से रिलेटेड नहीं पूछ सकता है, तो इसको 3-4 बार देख लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। तो दोस्तों इस ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।